फहद, 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 फहद क्या? मॉम, मॉम ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद, फहद, फहद बोलो तो सही कुछ। फहद, मॉम, मॉम, मॉम फहद को देखे। मॉम, मॉम, फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कलमोही, तूने मेरा बेटा ले लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं मां, 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 नहीं भी, अभी बात उठेगा ना, बात भी, बात भी वापस आ जाओ, बात, बात तेरे से नहीं हो पाए। ताबी, जी आंटी, क्या हुआ है? सब क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? क्यों आई? तुम्हारी नाउस से आज मेरा बच्चा चला गया। मैंने मना किया था है, मर को मत लो इसको। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से। ये तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा एक मिनट भी नहीं रहने, चली जाओ, get lost। आंटी दरवाजा खोले, आंटी दरवाजा खोले। मेरा क्या कसूर है सब में? आंटी प्लीज दरवाजा खोल ले सारा। आंटी प्लीज दरवाजा खोले। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत करो, मत करो ये शर्म। प्लीज दरवाजा खोलने। मुझे पता था ये हमारा घर बर्बाद कर देगी, कर दिया इसने मेरा घर बर्बाद। मेरा मेरा बाद मुझे छोड़ के भी मंजिलें भी।
अबीर। जी अम्मी। अरे बेटा आ जाओ ना। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। जी अम्मी। हाँ चलो देर हो रही है। अम्मी 10 मिनट का सफर है बस, और वैसे भी मैंने बशीर चाचा को फोन कर दिया था, वो रिक्शा लेकर आते ही होंगे, और आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट से ही जाएंगे। बेटा आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है अपने पेट्रोल बचाने के चक्करों में। बेल बजी। मुझे लगता है चचा आ गए, आप जल्दी से आ जाइएगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। घर की चाबियां तो निकालूं। आपी 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 आपको क्या हुआ है? आपी यहाँ भी दूर आप मत रोए ना। आपी 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 क्या हुआ है आपको? आपी दूर चुप कर जाना। आपी अब बेटा क्या हुआ? रोनी मेरे बच्चे बताओ ना क्या हुआ? साबिर सबर से काम लो रुबाब, सबर से। और जारा तुम भी मेरे बेटा सबर करो। मैं कैसे सबर करूं मम्मी? नहीं है मेरे पास इतना सबर, मैं कहां से लेकर आऊं मम्मी? मेरा सबर तो जैसे बाघ के साथ ही दफन हो गया था। अलमास जारा से कहो कि सबर की सिल अपने दिल पे रख ले, जैसे उसकी उसकी माँ ने अपनी जवान बेटी की मौत पे रखी। चुप करो जारा, ठीक चुप करो। सबर करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी उसकी इतनी ही लिखी थी, होनी को कौन टाल सकता है, मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया लेकिन मैं तो जिंदा हूं। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी साहब जी अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा। अरे हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया? और जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे जलील करके निकाल दिया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं और जलील होने वहां चली जाऊं? देखो ताबीर, हर लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिलता, और लड़की को निभा करना पड़ता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धक्के देकर मुझे निकाला है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, और आप अफसोस करने जा रही हैं। आपको तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा, तुमसे बदसलूकी की? वो तो वहां है ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ बदसलूकी वो करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? औलाद को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ तड़प जाती है। तो फिर अम्मी? बेटा ये मौका इन बातों का नहीं है, हम नाराज होके बैठ जाएंगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। जानती हो वो किस तरह कान भरेंगे तुम्हारे शौहर के? उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा कि देवर की मौत पे बहू और उसके घर से कोई नहीं आए। तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ? बेटा वो तो सास और बहू के झगड़े का रंग दे देंगे, मगर भाई की मौत पे ना जाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं अम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, जब तक अहमद नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बेवकूफ मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। बेटा घर ऐसे नहीं बसते, वो सिखा पढ़ा कर अहमद के दिल में खरीश पैदा कर देंगे।
बहुत अजीब हालात है वहाँ। शौहर तुम्हारा जेल में है और घर में मौत हो गई है और उस मौत का जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा होगा ना? तो नियतों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। मियाँ आप ये क्या कह रही है? बेटा हमारा वास्ता तो उनसे अब पड़ा है ना, चंद दिन हुए। इससे पहले उनके दरमियान में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। तो एक कातिल की जिंदगी में क्यों धकेल रही है मुझे? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना ही ये साबित कर रही हूँ कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ और अंदाजे कभी सही भी होते हैं और गलत भी। अहमद, मेरी रीडर से बात हुई है कि 2-3 दिन की डेट दे दे। नजम समझने की कोशिश करो तुम, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वहां सबकी क्या हालत होगी। अब तो डेट पर ही बात हो सकती है जज साहब से। तो मुझे जाने की परमिशन मिल जाएगी, मतलब मेरी जमानत हो जाएगी? यार सच्ची बात तो ये है कि फहद की डेथ से हमारा केस बहुत कमजोर हो गया। जी जी चले, ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। इतनी लंबी बात क्या करने बैठ जाती हो? क्या कह रही थी? अम्मी वो जा रही हैं उनके घर। उनके किन के? ओहो अम्मी, ताबीर बाजी के ससुराल में। हाँ तो यूं कहो ना, अब ठीक है हम भी चलते हैं। हम? मगर हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता। तो फोन पर पूछ लो ना, या मुझे मिला कर दो, मैं बात करती हूँ। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अहम मौका है, वो क्या कहेंगे, लड़की की मुमानी ही नहीं आई। आप वेट करें, मैं भी साथ ही चलती हूँ आपके। हेलो हेलो, बोले तो सही, इसे देख कोई आवाज ही नहीं आ रही। ये जो हर वक्त चिपकी रहती है ना, जो इसके साथ मशीनरी है, गर्म होगी होगी। देख अम्मी, कॉल तो कनेक्ट ही नहीं हुई और आप बोलने लग गई। तूने ही मुझे पकड़ाया था, मैं तो समझी कि बोल रही होंगी। चल दोबारा मिला, चल। अम्मी मिल ही नहीं रहा। तो अबीर का नंबर मिला ले। पहले उन्हीं का मिलाया था, फोन बंद पड़ा उनका भी। इसका मतलब है वो चले गए। कैसा मौका हाथ से निकल गया। कैसा मौका अम्मी? यही ताबीर के ससुराल जाने का, उन लोगों से मिलने का। बड़े लोग हैं, ऐसे मौकों पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को। तेरा रिश्ता भी तो करना है, क्या पता तेरी किस्मत ही खुल जाती। अम्मी फौत की फरिश्तों की बातें नहीं होती। पागल है तू, शादी और मर्ग पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को लोग। मरने वाला मर जाता है लेकिन दुनियादारी नहीं रुकती। चल जा लेकर आ मेरा बैग, जा। अम्मी वो लोग जा चुके होंगे अभी तक। हाँ तो अबीर तो होगी ना, उससे अफसोस कर लूंगी। सब लोग तो नहीं घर बंद करके जा सकते ना, और खाना वाना खाते हुए आपा भी आ जाएंगी, उनसे भी अफसोस कर लूंगी ना। और ये अजान कहाँ गया है? इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चलता। उसे खबर भी है ताबीर के देवर के मरने की? फोन करके बता दूं? रहने दे रहने दे, ऐसी कौन सी खुशी की खबर है, घर आएगा तो पता चल ही जाएगा उसको। तू जब बैग लेकर आ मेरा। हाँ ठीक है। तुम बात तो करके देखो, मतलब अदालत से रिक्वेस्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरी जमानत होनी चाहिए। करता हूँ कोशिश, मगर अब केस बहुत बिगड़ गया। नजम तो अम्मी से बयान दिलवा दो, अब वही वारिस है। जब उन्हें एतराज नहीं होगा तो अदालत एतराज क्यों करेगी? कानून के अपने तकाजे होते हैं अहमद, अगर तुम्हारे मामा आके बयान दे भी दें तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि वो बयान दें और फौरन रिहाई के ऑर्डर आ जाएं। प्लीज नजम कुछ करो, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। मेरा भाई मर गया, हम सिर्फ 2 भाई थे, घर में सबका क्या हाल होगा? और ताबीर, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। एक दिन ही तुम्हारी शादी को हुआ था और तुम? अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई हम सबको, पकड़ में आ गए हम।
हमने सोचा भी नहीं था। एक लम्हे की गलती ने सारी दुनिया ही बदल दी। मैंने गलती जानबूझकर नहीं की थी। पिस्टल हमेशा खाली होता था। तुमने उसी पर गोली चला दी? नहीं चलाई मैंने गोली उसके ऊपर। वो अचानक मेरे सामने आ गया और चंद ही लम्हों में सब कुछ हो गया। एक बात पूछूं? नाराज मत होना। देखो हेमर, मैं सिर्फ तुम्हारा वकील ही नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूं। तुम पूछना क्या चाहते हो? देखो हेमर, जिंदगी में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो इंसान अपने आप से भी शेयर नहीं करता, और अगर तुम सच बोल दो तो मुझे केस हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। तुम मेरे से क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम समझ गए हो, तुमने जानबूझकर तो नहीं मारा फहद को। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम मुझे इतने अरसे से जानते हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाइयों जैसे। बताओ यार, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर हालात और वाकयात कुछ और बयान कर रहे हैं। तो अगर तुम मुझे कातिल समझते हो तो जा, छोड़ दो मेरा केस। वो दोस्त ही क्या जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं। दोस्तों एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और वकील होने के नाते मेरा काम सिर्फ क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखना। मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा। नचम, तुम्हारी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया है। अगर तुम मेरे बारे में ये सोच सकते हो तो दूसरे भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे, मुझे कातिल समझते होंगे। ओह माय गॉड। और ताबीर, उसके घर वाले, वो भी मुझे कातिल मानते होंगे। वो तो शादी से पहले वाले अहमर से वाकिफ ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा तो ये ख्याल था कि मैं बेगुनाह हूं और सब मुझे बेगुनाह समझते होंगे। मैं सबकी नजरों का कैसे सामना करूंगा? ये तो बहुत सीरियस मामला है। इतनी गहराई में मत जाओ, तुम्हारे मामा सब ठीक कर देंगे। अगर मामा भी यही समझ बैठी कि मैंने फहद को जानबूझकर मारा है तो वो माँ है तुम्हारी। एक बेटा खोने के बाद दूसरा तो बचाना होगा उन्हें। देखते जी बेगम साहब, वो ताबीर बीबी और उनकी वालदा आई हैं। क्यों आए? ताबीर, आपकी बहू यहाँ नहीं थी, मेके गई हुई थी क्या? हाँ तो बुला लो ना अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है बेगम साहब। ये लोग जनाजे पर नहीं आए? वो ताबीर की अम्मी की तबीयत खराब है। ओह अच्छा। सबर के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जब सुना तो कलेजा मुख को आ गया। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं होता। अहमर को इत्तला दी
वो बेचारा वहां पे मजबूर तो जनाजे पे भी नहीं आ सका। मैंने तो सुना था कि उसकी जमानत होने वाली है। सुना था हमने भी, हो जाएगी जमानत, कानून अपने तकाजे तो पूरे करता है ना। और फिर उसने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, अब होनी को कौन टाल सकता है। आई बैठे आप, आपकी तबीयत कैसी है जी? मैं ठीक हूँ। लगता है आपके घर को तो नजर ही लग गई। जी, किसी बहुत ही मनहूस की नजर लगी। अजान, मोमिना, वो मेरे जाने से पहले तुम्हारी फूफा तो वहां से चली गई है। तुम ऐसा करो कि फोन करो और उनसे एड्रेस पूछो, हम सीधे वहीं चलते हैं। और तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए। अब्बू से बात हो गई है, वो दुकान से सीधा तबीबा जी के ससुराल चले गए हैं। सीधे ही चले गए? अजान बेटा, अपनी फूफा को फोन करके तो कहो कि मैयत वाला घर है, बेटी का ससुराल है, एक वक्त की रोटी देनी तो बनती है ना। हमी रोटी, हमी ये पुरानी बात है, अब तो सब कुछ कैटरिंग से मंगवा लेते हैं। और वैसे भी वो इतने अमीर लोग हैं, हमारी रोटी के लिए थोड़ी बैठे हैं। बेटा जी, ये पुरानी रस्में तुम नहीं जानते, सदियों से चली आ रही। खुशी का वक्त छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मर्द पर सब याद रखते हैं कि किसने क्या दिया और किसने नहीं। हर आज ताबीर के ससुराल में मौत हुई है, कल मेके में भी तो हो सकती है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? भाई, ये तो इफेक्ट है। फैक्ट अम्मी? हाँ हाँ, फैक्ट। ज्यादा बड़ा फैक्ट हो जाए ना तो वो इफेक्ट हो जाता है। और तू मुझे पढ़ाएगी? ये तो पुराने जमाने की अंग्रेजी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मौके पर तो दुश्मन भी आके साथ खड़े हो जाते, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। जब मैंने सुना तो दौड़े ही चले आए हम यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये मसले थे अल्लाह ही जानता है। वो हम अहमद से मिलने जा रहे हैं, तो ताबीर को मैं वापसी पर छोड़ दूंगी। क्यों, अहमद को क्यों परेशान करती हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात है जी, उसके भाई का अफसोस करना है बस। आपने अफसोस कर लिया ना उसकी माँ से, काफी है। फिर भी जी, हमारा दामाद है, क्या सोचेगा? मगर आप लोगों को उससे मिलने कौन देगा? उसका बंदोबस्त कर लेंगे जी। आप इसे मत लेकर जाएं। जब से वो हवालात किया है, ये उससे मिली नहीं है। अगर इसने वहां कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? ये कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। वो तो मैं जानती हूँ। खैर, मैं तो ये चाह रही थी कि आप इस अहमर के पास मत जाएं,
मेरी बात हुई थी उससे, वो सारा दिन रोता रहा है, अब सो रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोगों के जाने से। बाबर जी, सुना आज उसकी कोई मुलाकात नहीं आई? नहीं, वकील साहब ही आए थे, उसके घर से कोई नहीं आया जी। अब ये गया काम से, मर गया वो जिसे इसने गोली मारी थी। पता है जी, पर उसके घर का मसला है जी, उसकी माँ छुड़वा लेगी जी उसे। आप हंस क्यों रहे हैं जी, बता दो वो शरीफ है। अरे सभी शरीफ होते हैं, किसी के माथे पे कातिल नहीं लिखा होता। वो फिर भी सर जी, हमारा तजर्बा है, पता तो चल ही जाता है। असामी बहुत बड़ी है, पर अभी तक इसने जेब से कुछ निकाला नहीं। सर जी, वो थाने में हर एक को कुछ ना कुछ माल पानी देता रहता है। इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता, अब उसको एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी, बड़ा सीरियस केस है, फांसी चढ़ेगा वो। मैं तो ताबीर की मां की ढिटाई पर हैरान हूं, उसे लेकर हवालात जाएगी, वहां सब लोग मौजूद थे, वरना मेरा तो जी चाह रहा था कि ऐसी खरी खरी सुनाओ कि तबीयत साफ हो जाए। मैंने तो निकाल दिया था, अगर कोई शर्म कोई हया हो इन मां बेटी में तो तब ना, फिर आ गई। जब बंदा ढीठ हो जाता है ना मां, तो सारी की सारी बातें एक तरफ रख देता है। पता नहीं जब ये हवालात में जाके अहमर से मिलेगी तो हमारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कहेगी। अब तुम देखो तो सही मैं क्या करती हूं। इन सब बातों से पता चलता है शौहर के दिल में बीवी के लिए कितनी जगह है। अब सुबह सुबह क्या हो गया है? मुझे तो रात भर ये सोचकर नींद नहीं आई कि इतनी सी वैल्यू रहेगी ये मेरी। अच्छा तो रात को खराटे कौन ले रहा था? आपके तो सोते में भी कान ही बजते हैं। अच्छा सुबह सुबह मूड खराब ना करो प्लीज। और कल रात से मेरा जो मूड खराब है उसकी परवाह ही नहीं आपको? ओहो कुछ बताओ तो सही तायरा, मौके की नजाकत को समझे बगैर नाराज होना कोई तुमसे सीखे। क्या मैं सौतेली बीवी हूँ आपकी? बीवियां सगी होती हैं। आप वहां अकेले चले गए और मैं वेट करती रह गई। वहां वो सब लोग सोचते होंगे बीवी को घर छोड़ा है, कोई ना कोई बात होगी। ओहो मेरा दिमाग मत खाओ। वो देखो मेरी दुकान से करीब जगह थी, मैं चला गया, मैं घर आता तुम्हें देता फिर जाता तो देर हो जाती। हाँ तो मुझे कह देते मैं रिक्शा लेकर आ जाती। आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो यूं कहो ना बहन ने मना कर दिया। लो अब बहन को ले आओ बीच में। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। चाहे ना कड़वी होगी खुद ही पी लेना, मैं जा रहा हूँ। हाँ आप कहाँ रुकोगे, जाओगे? ताबीर तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? मॉम के साथ गई है अहमर से मिलने के लिए। कल तो हमने प्रोग्राम बनाया था, हमें फोन ही कर देती अगर। भाई अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं पता ना। खैर वो अनवर चाचा को भेजती हूँ मैं, चाय पिए बगैर मत चाहिएगा। और बैठना कहाँ पे ये भी वो ही बता देंगे आपको। माफ कर दी मामा।